बीबीसी दुनिया में आज देखिए क्यों बढ़ रहे हैं महिला पत्रकारों पर हमले। बीते चंद महीनों में अफगानिस्तान में 4 महिला पत्रकारों की हुई हत्या। दुनिया के दूसरे इलाकों में भी बढ़ रहा है महिला पत्रकारों पर खतरा। भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में महिला मीडिया कर्मियों के सामने क्या हैं चुनौतियां? स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। महिला पत्रकारों की चुनौतियों और उन पर मंडराते खतरों पर कवर स्टोरी में चर्चा, लेकिन पहले हेडलाइंस। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच मनाया गया होली का त्यौहार। भारत में 24 घंटे में सामने आए दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले, 68,000 नए केस दर्ज। म्यांमार के कई राज्य में सेना के हवाई हमलों के बाद थाईलैंड भागे हजारों करेन जाति अल्पसंख्यक। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा उनके देश में आ सकती है शरणार्थियों की बाढ़। म्यांमार में लगातार बढ़ रहा है सेना और लोकतंत्र समर्थकों के बीच टकराव। शनिवार को सेना के हाथों मारे गए 100 से ज्यादा लोग। हटाया गया स्वेज नहर में अटका मालवाहक जहाज। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने कहा तकनीकी चुनौतियों के बावजूद उनके देश को मिली बड़ी सफलता। जहाज के फंसने के कारण एक हफ्ते से बंद था दुनिया का सबसे व्यस्त कारोबारी समुद्री रास्ता। भारत के विदेश मंत्रालय ने रद्द किया महबूबा मुफ्ती का पासपोर्ट का आवेदन। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा सुरक्षा के लिए खतरे का हवाला देकर जारी नहीं किया गया भारत का पासपोर्ट। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। अफगानिस्तान में चंद महीनों के अंदर एक के बाद एक 4 महिला पत्रकारों का कत्ल कर दिया गया। अफगानिस्तान तो लंबे समय से हिंसा से जूझ रहा है, लेकिन दुनिया के कई और देशों में भी महिला पत्रकार महफूज नहीं है। भारत में भी महिला पत्रकारों के सामने भले ही वैसा खतरा ना हो जैसा अफगानिस्तान में है, लेकिन उन्हें भी कई चुनौतियों से जूझना पड़ता है और कई बार अपने पुरुष सहकर्मियों की तुलना में उनके लिए काम करना ज्यादा मुश्किल साबित होता है। आज कवर स्टोरी में चर्चा दुनिया भर की महिला मीडिया कर्मियों पर मंडराते इसी खतरे की और उनके सामने पेश आने वाली चुनौतियों की। अफगानिस्तान में शांति बहाल करने के लिए पिछले कुछ महीनों से कूटनीतिक प्रयास बढ़ रहे हैं, पर साथ ही बढ़ रही है हिंसा की घटनाएं भी। कई पत्रकारों, एक्टिविस्ट और सरकारी कर्मचारियों को हाल में अपनी जान गंवानी पड़ी है। कई शहरों में महिला पत्रकारों को निशाना बनाया गया है। वजह, अफगानिस्तान के रूढ़िवादी समाज में कुछ लोगों का इनका घरों से बाहर जाकर काम करना पसंद नहीं आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में साल 2018 से अब तक 30 से ज्यादा मीडिया कर्मी और पत्रकार मारे जा चुके हैं। बीते महीनों में अपनी सुरक्षा के लिए 300 से ज्यादा अफगान महिला पत्रकारों ने अपनी नौकरी छोड़ दी है और दुनिया भर में पिछले 30 सालों में 98 महिला पत्रकारों ने जान गंवाई है, जिसमें से 70 की हत्या हुई है। पूरी दुनिया में ऐसे हमले हो रहे हैं, पर सबसे पहले आपको दिखाते हैं अफगानिस्तान के जलालाबाद से बीबीसी संवाददाता सिकंदर किरमानी की रिपोर्ट, जिसमें वो उस टीवी चैनल के दफ्तर पहुंचे जिसकी 4 महिला कर्मचारियों की हाल के महीनों में हत्या कर दी गई। मलाला मायवंद वो पहली पत्रकार थी जिनकी पिछले साल हत्या कर दी गई थी। उनके बाद इसी महीने शहनाज, सादिया और मूरसल को दफ्तर से घर जाते वक्त गोली मार दी गई। जलालाबाद में ये सब एक टीवी चैनल में काम करती थीं। ये डेस्क उनकी याद बनकर रह गए हैं। 10 महिला कर्मचारियों में से 4 की मौत हो जाने से बाकियों के लिए खतरा बढ़ गया है। तो इसे मुरसल डब कर रही थी। मारी गई तीनों महिलाएं विदेशी टीवी ड्रामा को स्थानीय भाषा में डब करने का काम करती थीं। ये चरमपंथियों, कट्टरपंथियों और अफगानिस्तान को दोबारा बनाने वालों के बीच की लड़ाई है। कट्टरपंथी चाहते हैं कि महिलाएं बस घर का कामकाज संभालें। The woman is just for home, for house. कई महीनों से अफगानिस्तान के कई शहर लगातार हो रही हत्याओं की वजह से दहशत में हैं। पत्रकार, जज और मानवाधिकार कार्यकर्ता मारे गए लोगों में शुमार हैं, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं हैं। ये कोशिश है अफगानिस्तान में प्रगतिशील और उदार सोच रखने वालों की आवाज दबाने की।
सादिया के घर वाले उनकी मौत के बाद से ही गम में डूबे हुए हैं। उनकी माँ ने पढ़ाई नहीं की, पर उनकी बेटी ने जो कुछ हासिल किया उससे वो बहुत खुश थी। वो कहती हैं कि अब मेरे पास उसकी कुछ निशानियां और यादें हैं, उसके सपने जमीन में दफन हो गए हैं। अफगानिस्तान में कई संगठित हमलों के लिए तालिबान को जिम्मेदार ठहराया जाता है, पर यहाँ जलालाबाद में आईएस को इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। तालिबान से कम ताकतवर होने के बावजूद आईएस कहीं ज्यादा बेरहम है। हया और नादिया म्यूजिक और कल्चर पर एक शो प्रस्तुत करती थीं, पर इन हमलों के बाद शो बंद कर दिया गया है। कई महिला पत्रकारों ने तो अपनी नौकरी, यहाँ तक कि देश भी छोड़ दिया है, पर हया को उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द अपने काम पर लौटेंगी। ये काफी डरा देने वाला माहौल है। जब मैं घर से निकलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वापस नहीं लौटूंगी, पर मैं अपना काम नहीं रोकूंगी। इन हत्याओं ने अफगानी महिलाओं के अधिकारों के भविष्य पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। बेहद नाजुक शांति प्रक्रिया इस देश की कमान कट्टरपंथ तालिबान के हाथों में सौंप सकती है, जिससे ये डर पैदा हो चला है कि क्या और महिलाओं को अपने सपने अधूरे छोड़ने होंगे। पर अफगानिस्तान में हो रहे हमले और दुनिया भर में रहे हो रहे हमलों में समानता क्या है? हमने देखा है कि ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका जैसे देश इस पर खुलकर बोले, पर सिर्फ बोलने से काम नहीं बनेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चाहता है कि महिला पत्रकारों पर हमले और उनकी मौत कम हो, तो उन्हें इसकी निंदा करनी चाहिए और अपने कूटनैतिक समकक्षों का इस ओर ध्यान खींचना चाहिए। उन्हें ऑनलाइन उत्पीड़न की ओर भी ध्यान देना चाहिए। कई मामलों में इसके पीछे राजनेताओं का हाथ होता है और हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच गहरा संबंध है। भारत में गौरी लंकेश, माल्टा में डाफनी ग्लिजिया की हत्या हुई और दूसरे लोगों के साथ भी उनकी हत्या से पहले उन्हें धमकियां मिली, तो हमें इसके खिलाफ कड़े कदम उठाने होंगे और जिन देशों में पत्रकारों की हत्या होती हैं, उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराना होगा, उन पर जुर्माना लगाना चाहिए और हत्याओं की गंभीर जाँच होनी चाहिए। और जैसा कि हमने बताया, भारत में माहौल अलग है, लेकिन भारत में महिला पत्रकारों के लिए क्या चुनौतियां हैं? उन्हें अपने पुरुष सहकर्मियों के मुकाबले क्या ज्यादा खतरों या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? ये जानने के लिए हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी से। आज अगर आप देख लीजिए, टेलीविजन में देख लीजिए, डिजिटल में देख लीजिए, पेपर्स में देख लीजिए, तो महिलाएं बहुत जम के सामने आ रही हैं पत्रकारिता में, लेकिन जगह जगह पहुंचना अपने आप पे खतरा पुरुषों पे भी होता है पर महिलाओं पे ज्यादा होता है। लेकिन महिला के जो सिक्योरिटी का सवाल है, सेफ्टी का सवाल है, उनको जिस नजरिए से देखा जाता है, से महिला के ऊपर खतरा बढ़ जाता है। और महिला का मल्टीटास्क करना, घर को संभालना और उन बहुत जिम्मेदारियों के परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, वो भी निभाना, अपने करियर के प्रति, प्रोफेशन के प्रति, जो कि बहुत कंपेटिटिव हो रहा है। और पाकिस्तान के हालात के बारे में जानकारी दे रही इस्लामाबाद से बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी। पाकिस्तान में फीमेल जर्नलिस्ट की सिक्योरिटी को लेकर जाहिर है सूरत हाल इतनी खराब तो नहीं है जैसे ये अभी अफगानिस्तान में इंसिडेंट हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में फीमेल जर्नलिस्ट जो हैं उनको बहुत से थ्रेट्स का सामना है और वो इसका इजहार भी करती रही हैं, उन्हें धमकियां दी जाती रही हैं, जान से मारने की धमकियां भी मिलती रही हैं और ये धमकियां कभी मिलिटेंट ग्रुप्स की तरफ से, कभी सेक्टेरियन ग्रुप्स की तरफ से, यहां तक कि कभी कभी तो कुछ फीमेल जर्नलिस्ट ने यह भी इशारा किया है कि उनको मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से दबाव का सामना है। जाहिर है कि ऐसी जो धमकियां होती हैं उसमें बाज़ोकात एविडेंस लाना और कैटेगोरिकली किसी पे इल्ज़ाम लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा जो ख़तरा है पाकिस्तान में फीमेल जर्नलिस्ट को, वो उन्हें ऑनलाइन जो हेट्रिड का और धमकियों का और कैरेक्टर असैसिनेशन का सामना करना पड़ रहा है, ये बहुत बड़ा ख़तरा है और इससे उनकी ज़ाती ज़िंदगियाँ, मेंटल हेल्थ और उनकी फैमिलीज़ काफ़ी डिस्टर्ब हो रही हैं और इस मसले को उन्होंने पार्लियामेंट तक में उठाया है। और ब्रेक के बाद दिखाएंगे नंदीग्राम में चुनावी मुकाबले का, देखेंगे ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। पश्चिम बंगाल में एक चरण की वोटिंग हो गई है, दूसरे दौर का मतदान गुरुवार 1 अप्रैल को होगा। सबकी निगाहें हैं वहां की नंदीग्राम सीट पर, जिस पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टक्कर है बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से, वो शुभेंदु जो पहले टीएमसी में ही थे। ऐसे में ये मुकाबला और दिलचस्प है। नंदीग्राम का चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि साल 2007 में यहां पर हुई हिंसा और आंदोलन के बाद ही ममता बनर्जी के लिए सत्ता की राह खुली थी। देखिए बीबीसी संवाददाता रॉक्सी गागडे कछारा की नंदीग्राम से खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार चरम पर है। नंदीग्राम में एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैदान में है तो दूसरी तरफ उनके पुराने सहयोगी शुभेंदु अधिकारी है। 2007 में नंदीग्राम के जरिए अपनी सियासी राह बनाने वाली ममता अब एक बार फिर यहां लौटकर आई है। तो आमार साथे गद्दारी करे छो आमी साच्चा लोक एटा माथाय रेखो बीजेपी तुमी बोलली आमी चोर होई जाबो ना तोमार कथाय आमार गाए पोषका पड़बे ना नरेंद्र मोदीर मतो एत बड़ डकात नोटबंदी आर कोथाय आछे জিজ্ঞেস করুন পিএম কেয়ারের টাকা গেল কোথায়, নরেন্দ্র মোদী জবাব দাও, অমিত শাহ জবাব দাও। লেকিন মমতা ব্যানার্জি বিরোধী নেত্রী জিতনা দিন থা তো ঠিক হ্যায়, লেকিন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কে লিয়ে মমতা ব্যানার্জি আচ্ছা নেই হওয়া। জানার শুভেন্দু কে আমাদের পুরো জানি, আমাদের দিদি কে চাই, আমাদের গরিব মানুষ খাটি খাই, আমাদের আল্লাহ হবে, আমরা খেয়ে শান্তি হব, কিন্তু দিদি কে ছাড়া আমরা কাউকে ভোট দেব না। সুব্রত সামন্তা হিংসা মে মারে গয়ে থে। हमने चप्पल पहने 3 पुलिस वालों को देखा था जो मेरे ब्रदर इन लॉ को ले गए थे। उन्होंने हमसे दूर रहने को कहा, हमने दूर से ही देखा कि उन्होंने लाश उठाई और चले गए। राबिया बीबी ने उसी हिंसा में अपने पति को खो दिया। वो बताती है कि ममता बनर्जी की सरकार ने उनकी मदद की, उन्हें पेंशन मिली, घर बनाने के लिए कर्ज मिला और बेटे को सरकारी नौकरी मिली। ममता दीदी इंदिरा विकास दिए, ममता दीदी ने हमें घर बनाने के लिए पैसे दिए और कुछ नकद भी दिए। उन्होंने कई बार हमें 5-10 हजार रुपए दिए। पिछले दिनों भी उन्होंने हमें पैसे दिए थे। जब भी नंदीग्राम या कोलकाता में मीटिंग होती है तो वो हमें बुलाती हैं और कभी 5,000 कभी 25,000 रुपए दे देती हैं। मेरे पति की मौत के बाद मुझे 3 लाख रुपए मिले थे। 5,000-10,000 हालांकि ममता बनर्जी के लिए यहां से जीतना आसान नहीं होगा। बीजेपी की ओर से शुभेंदु अधिकारी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी नंदीग्राम आंदोलन का चेहरा रहे हैं और स्थानीय भी है। लोग तो मुझे माने सपोर्ट कर रहा है, बोला आप राइट पर्सन रॉन्ग प्लेटफॉर्म में थी, इतना दिन मोदी जी का पास आया, सही काम किया। तो ये समझने के लिए आपको 9.5 साल क्यों लग गए? 9.5 साल लगी। देखिए जब शुरुआत हुआ इधर बाम मोर्चा की बहुत अत्याचार हुआ था, नंदीग्राम का हादसा हुआ, तब अल्टरनेट फॉर्मेटेबल अपोजिशन तृणमूल था, बीजेपी नहीं था। अब बीजेपी अल्टरनेट अपोजिशन है, इसलिए पब्लिक का सपोर्ट भी मिल रहा है। हम लोग भी डिसीजन लिया कि बीजेपी के साथ ही रहना पड़ेगा। हालांकि टीएमसी को यकीन है कि वो सिर्फ नंदीग्राम ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में भी आसानी से चुनाव जीत जाएगी। जो लोग जय श्री राम कहते हैं वो मोदी सरकार के समर्थक हैं। हमारी भगवान राम में आस्था है, उनमें विश्वास है और तुलसीदास की रामायण के राम का सम्मान करते हैं, उनके सामने सिर झुकाते हैं। लेकिन मोदी के राम रामायण वाले राम नहीं बल्कि सिर्फ वोट खींचने वाले राम हैं। ये चुनाव जीतने के लिए मोदी का ट्रम्प कार्ड है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 34 साल से राज कर रही वामपंथी सरकार के किले में नंदीग्राम से ही सेंध लगाई थी। अब 1 अप्रैल को मतदाता एक बार फिर फैसला करने जा रहे हैं कि क्या नंदीग्राम एक बार फिर पश्चिम बंगाल का सियासी इतिहास बदलेगा या नहीं। रॉक्सी काकटेकर छारा, बीबीसी नंदीग्राम। और वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद देखेंगे पाकिस्तान का एक कस्बा जहां मिलकर होली मनाते हैं हिंदू मुसलमान। देखेंगे सरहद पार के होली के रंग एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। होली के रंग में आज हिंदुस्तान रंगा, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी रंगों से अछूता नहीं रहा। पाकिस्तान के थार पारकर इलाके की 80% आबादी हिंदू है। भारत के गुजरात और राजस्थान से लगने वाले इस इलाके में हिंदुओं के साथ मुसलमान भी होली मनाते हैं। थार पारकर के मीठी कस्बे से शुमाइला खान की रिपोर्ट। होली त्योहार है वसंत का, प्यार का और रंगों का। पाकिस्तान के थरपारकर के मीठी कस्बे में होली की शुरुआत होती है भजन कीर्तन से। होली उत्सव के पहले दिन रैली के तौर पर पाली का आयोजन किया जाता है। लोग ढोल की थाप पर नाचते हैं, छोटे बच्चे राधा और कृष्ण की तरह सजते हैं। वैसे तो पाकिस्तान के सभी हिंदू पूरे उत्साह के साथ होली मनाते हैं, मगर थरपारकर के मीठी में इसका अंदाज अलग होता है। जब पाली मुस्लिम बस्ती बजीर से होकर गुजरती है तो वो भी हिंदुओं पर रंग डालते हैं। जब से हमारी यहाँ पे होली की रस्मात होती हैं तो इन पूरे दिनों में हम इनके साथ शामिल रहते हैं, और जैसे ही वहाँ से होली के जो साथी जो इसमें शामिल हैं हिंदू भाई हैं वो सारी जब यहाँ से गुजरेंगे तो उनसे ऊपर हम गुल की निछावर करते हैं और रंग भी लगाते हैं और इनकी खुशियों में हम शामिल हो जाते हैं। शाम को होली मैदान में होलिका दहन होता है और जश्न मनाया जाता है। दूसरे दिन रंगों की बरसात होती है, शहर का कोना कोना रंगीन हो जाता है, मगर थरपारकर की ज्यादातर हिंदू महिलाएं घर से बाहर जाकर होली नहीं मनाती। ये त्यौहार जो है ना खुले आम नहीं मनाए जाते कि किसी जगह पे वो मनाए, वो घर के आंगन में अपने भाइयों के साथ, अपने कजन्स के साथ, अपने जो उनके शोहर हैं उनके साथ मिलके औरतें मर्द वो सब आपस में मिलके। और चलते चलते होली के कुछ और रंग भारत और पाकिस्तान दोनों से। हालांकि रंग गुलाल की मस्ती में ज़रूरी दूरियां नहीं दिखी दोनों ही देशों में, लेकिन दोनों ही देशों के लोग एक से रंगों में रंगे ज़रूर दिखे। पाकिस्तान के कराची में हिंदू समुदाय ने होली मनाई। और आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBCSarika पर। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना है।